आपसे सवाल किया सर, आपसे ये जानना था कि स्कूल जो आज काम कर रहा है उस मतलब उस स्कूल को और क्या करना चाहिए और क्या एक्टिविटीज़ बढ़ाई जा सकती है वहाँ पर। जैसे हम लोग अभी ये तय कर रहे हैं कि वहाँ एक क्विज कंपटीशन लें, कल परवेज भाई ने राय दिया, इंशाल्लाह हम लोग उस पर राय मशवरा कर रहे हैं अपने ग्रुप में। तो थोड़ा सी हमारे ग्रुप की भी रहनुमाई कीजिए कि ग्रुप को और अल्लाह कैसे अच्छे से इस्तेमाल करवाए, और दूसरा स्कूल इसमें और क्या कर सकता है, स्कूल की एक्टिविटीज़ और क्या क्या बढ़ाई जा सकती हैं, क्योंकि आप अभी भी उससे जुड़े हुए हैं तो आपकी राय हमारे लिए बहुत कीमती है। इंशाल्लाह दो सवाल आठ से टेन तक है ना? हाँ, जो क्विज कॉम्पिटिशन लेंगे हम लोग उसका मेन मकसद होगा कि अपने स्कूल से आज तक एक भी आईएएस ऑफिसर नहीं निकला है और कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए आज भी बच्चे घबराते हैं, वो डर निकालने के लिए हम लोग उनका स्पीकिंग पावर प्लस राइटिंग पावर, जवाब देने की क्षमता, चाहे वो कागज़ पर हो या आवाज़ की शक्ल में हो, वो बढ़ाने के लिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं। तो ये हमारी एक छोटी सी कोशिश है। तो ग्रुप क्या करना चाहिए और स्कूल क्या करना चाहिए, दो राय आपसे। ग्रुप तो वैसे पूरे प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करके जो कुछ कोशिशें आप लोग कर रहे हैं या जो स्कीम आप लोगों के दिमाग में है तो वो बहुत अच्छी है, और जहाँ तक के स्कूल का ताल्लुक है उनको तो पूरे तरीके से कोऑपरेट करना ही चाहिए। और मैं चाहूँगा भी कि ऐसा मौका आएगा, अगर कुछ मुझसे मशवरा लिया जाएगा मैं कहूँगा कि भाई ठीक है, इन लोगों को ये लोग कर रहे हैं और स्टूडेंट्स के फ़ायदे के लिए कर रहे हैं, तो इनके साथ पूरा पूरा कोऑपरेशन किया जाए और उनको ऐसा मौका दिया जाए कि और भी ये आगे बढ़ें। बिल्कुल सही, ना कि उनको रोका जाए। सही। तो और राय क्या है, स्कूल और क्या कर सकता है, ऐसे और क्या कार्यक्रम या कम से कम हम ग्रुप को रहनुमाई कीजिए आप कि हम क्या कर सकते हैं। ऐसे तो बहुत से काम, स्कूल को क्या राय दें हम जी, जैसे बहुत से काम किए जा सकते, नगद जो ध्यान में आ रहा हो, जैसे ऐसे कॉम्पिटिशन्स हैं या ड्राइंग कॉम्पिटिशन्स हैं जी, और बहुत से हैं, जहन में नहीं आ रहा है ये सब अपने समय पे हुआ है। हाँ, हुआ है लेकिन अभी कह रहा है, और अभी ज़माना जो है जैसे साइंस का है, साइंस एग्जीबिशन जैसे लिया जाए बच्चों को, तो उसमें भी बच्चों की सलाहियत जो है वो उभर कर आती है, तो उनको टॉपिक दे दिया जाए कि भाई इस टॉपिक पर बना के लेकर आए, और उनको मोटिवेट करने के लिए थोड़ा बहुत जो है उनको गिफ्ट भी दिया जाए, वो भी है प्लानिंग में हमारा जरूरी हो जाता है, क्योंकि उसके बगैर नहीं होता है। आजकल का दौर इंटरनेट के चल रहा है, नेट से जोड़ा जाए और सोशल मीडिया से जो, और उसमें तो बहुत कुछ आता ही है सोशल मीडिया में कि कैसे कैसे कॉम्पिटिशन हो रहे हैं, तो उसमें देखा जाए और जो अच्छा मालूम हो कि हम अपने अपने स्कूल में वो सब कर सकते हैं तो वो किया जाए, आसानी से जो हो सकता है। और ऐसा भी कि खूब ज़्यादा वक्त ना लिया जाए, कि वो क्या होता है कि अगर आप बार बार कर रहे हैं, जा रहे हैं, वो वक्त ले रहे हैं, तो जो टीचर हजरात होते हैं या कहना चाहिए कि स्कूल ही समझ लीजिए इन टोटल मैं कह रहा हूँ, तो उन्हें बोलते हैं ये बोर ना हो जाए ऐसा। हाँ, ये सोचेंगे अरे ये तो बार बार पीछे पड़ गए हैं, पीछे पड़ गए हैं, ऐसा भी ना हो, एकदम बैलेंस हो, बैलेंस कम समय में अच्छा काम, अच्छा काम होता है, हो जाना चाहिए। और रह गया ये मदद का मामला जो है, तो हम तो पूरे तरीके से तैयार हैं, उसका मकसद ये है ना कि भाई स्कूल इसीलिए तो कायम किया गया है कि बच्चों की सलाहियतों को उभारा जाए, उनको आगे बढ़ाया जाए, अब अगर कोई मदद कर रहा है तो उनकी मदद ली जाए। बिल्कुल, बाहर से अगर कोई मोटिवेशन आ रहा है तो उसको एक्सेप्ट करने में बुराई नहीं। सही बात, सही बात। हम लोग तो सोचे वैसे इस सिलसिले में नसीम सर से, अल्ताफ सर से एक मीटिंग करेगी, दरख्वास्त की जाए उनसे, उसके बाद इस काम को अंजाम, उसके बगैर होगा भी नहीं ना, उनसे तो मिलना ही पड़ेगा। बिल्कुल, और हम तो प्रोसीजर से ही जाना चाहेंगे, स्कीम उनको बतानी पड़ेगी। सही। और मुझे मालूम है, जैसा जानता हूँ मैं, कि वो लोग इनकार नहीं करेंगे, क्योंकि इसके पहले भी आप लोग गए वहाँ पर, जो आपने इसके प्रोग्राम के लिए आपने जो लेटर दिया उन्होंने फौरन मान लिया, इजाज़त भी दे दी उनका, तो बहुत बढ़ चढ़ के अपने से पूरा सिस्टम जमा दिए, सब कर दिए, जो मदद नहीं करनी चाहिए वो भी किया, वो भी किया उन्होंने, उनका भी एहसान, अल्लाह का भी एहसान, इसमें कोई शक नहीं। असल में वो प्रोग्राम हम लोगों ने इतना बड़ा सोचा नहीं था,
हम कदम ब कदम चलते गए, अल्लाह ने उसको और ख़ास तौर से आप जैसे लोगों ने और उसकी आप जैसे लोगों की दुआओं ने उसको ही बड़ा बनाया। ऐसे जो भी लोग आते हैं हम उनको मदद करते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं करते। ठीक है। और तो सर आप जो एक्स स्टूडेंट्स हैं उनको क्या पैगाम देना चाहेंगे जो स्कूल के तामीरी काम में मदद कर सके किसी भी तरह से, जो ये पैगाम हम उन तक पहुंचा सके? कैसे पहुंचा? और ये पहुंचाने का हमारा सिस्टम ये है कि इसको हम फेसबुक पे और व्हाट्सएप पे जिनके कांटेक्ट है तो उन स्टूडेंट तक जो है ये पहुंचाते, शेयर करते हैं और वो इसको देखकर बहुत महसूस होते हैं और बल्कि प्लानिंग शुरू भी कर दी है उन लोगों ने कि हम भी जब कामटी आएंगे तो इस तरह के अपने दोस्तों को जमा करेंगे और अपने उस्तादों को जमा करेंगे और हम भी ऐसा प्रोग्राम करेंगे। उनके लिए आप कोई पैगाम दीजिए। मुंतजर होते हैं वो सुनने के लिए अपने इसरात को, क्योंकि ये सिलसिला हम लोग जो हर हफ्ते करते हैं और लोगों तक पहुँचाते हैं। स्कूल की जो मदद जो है दो तरीके से हो सकती है। जैसे एक तो जैसा कि आप लोगों ने अपना प्रोग्राम बनाया तरबियत देना, और दूसरी होती है माली। तो तरबियत जो है ये तो आसानी से हो जाती है, लेकिन माली मदद जो है वो बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी होती है लेकिन बड़ी तकलीफदा होती है। किसी को मशवरा देना आसान होता है, नहीं? लेकिन किसी को नकद देना बड़ा मुश्किल होता है। बिल्कुल सही बात है। स्कूल में जैसे कि आप देख रहे हैं कि मुसलसल तामीरी काम चल रहा है, कहाँ से ला रहे हैं, कैसा कर रहे हैं, वहाँ के मैनेजिंग कमेटी के लोग, हमको बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए और उनकी भी मदद करना चाहिए। हमारा अगर जो है 10 रुपया भी स्कूल में लग जाता है तो ये समझ लीजिए कि वो बच्चों की भलाई के लिए ही हो। तो जहाँ तक हो सके जब प्रोग्राम में हम इतना पैसा खर्चा करते हैं तो स्कूल के तामीर में भी अगर स्कूल के पुराने जो आपके मतलब ये साथी हजरात हैं या वो स्टूडेंट साबिक स्टूडेंट जो हैं वो हर बेच के अगर अपने तौर पर कुछ रकम जमा करके जमा स्कूल में अगर दे दें तो जाहिर है कि अभी कुछ और काम जो बाकी हैं वो आसानी से हो जाएगा। जैसे भी वो प्राइमरी स्कूल का हिस्सा जो नगर परिषद से खाली करवाया गया है जहाँ बच्चियाँ पढ़ती थी, अब उसकी तामीर का मसला है, लेकिन आज तामीर जो है बहुत महंगी है, बहुत बड़ी रकम, बहुत ज़्यादा पैसे की ज़रूरत पड़ती है। तो उस बात पर भी हम लोग गौर खोज करते रहते हैं कि कैसे किया जाए। तो ये हो रहा है कि भाई 2 कमरे बनाए जाएं, 3 कमरे बनाए जाएं, लेकिन उसको भी मुकम्मल किया जाए। तो मैं साबिक जो स्टूडेंट हैं तो मैं उनसे यही कहूँगा कि जहाँ तक हो सके माली तामन किया जाए और इस तरीके के जो प्रोग्राम हैं वो भी करते रहें और सब मिलजुल कर इत्तेहाद इत्तेफाक से करेंगे तो स्कूल तरक्की करेगा। स्कूल को अब अपना ऐसा स्कूल ना समझे कि जहाँ से आप निकल गए, बल्कि ये कि स्कूल हमारा है, हमारी कौम का है, ये जहन हमारे रहना चाहिए। और किसी भी तखरीबी काम से बचते हुए हमेशा तामीरी काम की तरफ जाएं। बिल्कुल सही। गलतियाँ होती हैं, कमियाँ होती हैं, उसको नज़रअंदाज कर दिया जाए, अपना समझ के राय दें, उसका हल निकालें, उसका हल निकालें। सही बात। उंगली उठाना कोई मकसद नहीं, मकसद नहीं है। कुछ लोग हैं कि इस किस्म के काम करते हैं, बहरहाल वो सब नहीं होना चाहिए। दो राय इत्तेफाक राय से होना चाहिए, हर दो आदमी जो है एक जैसा नहीं होता है। माशाल्लाह सर की बातें सुनकर जो परवेज साहब ने वहाँ पोस्टर लगाया था और हमारे स्कूल के भी जो बोल हैं वो याद आ रहे हैं। सर सब्ज रखे, शादाब रखे, अल्लाह इसे आबाद रखे। जी शाहिद भाई, परवेज भाई। सर एक सवाल और मन में आ रहा था मुझे कि जैसे रब्बानी स्कूल है 1932 का कंस्ट्रक्शन है या इदारा है, बहुत पुराना इदारा है, तो उस दौर के और भी इदारे हैं जहाँ पे 10वीं के बाद 12वीं, फिर उसके बाद में डिग्री कॉलेज हुआ, इंजीनियरिंग कॉलेज हुआ, तो
इस तरह से हमारे स्कूल में भी स्ट्रीम शुरू होनी चाहिए दूसरी, ऐसा बहुत सारे लोग बोलते भी है, लेकिन क्या वजह है कि हम लोग जो है 12वीं तक महदूद रह गए, और आगे हमको किस तरह के एग्जाम करना चाहिए कि इस यानी हमारे बच्चों को डिग्री के तक यही रहना पड़े और बाहर ना जाना पड़े, और हमारी तरबियत जो है पहली क्लास से डिग्री तक एक जैसी यक्षर है। ये बहुत अच्छा सवाल किया आपने। जहाँ तक के स्कूल का ताल्लुक है, जो मैं स्कूल में रहा हूँ, ये दूसरी बात ये बता दूँ मैं कि हर चीज़ के लिए दरअसल फ़ंड की ज़रूरत पड़ती है, बगैर फंड के कुछ नहीं होता है। तो मैंने स्कूल का वो भी दौर देखा है कि स्कूल के जो फर्नीचर रहते थे वो भी यानी इतने नहीं थे कि स्टूडेंट को बिठाया जा सके। कभी कभी ये भी होता था कि दो दो बच्चों को एक एक चेयर पर बिठा दिया जाता था, बच्चे जो हैं कुर्सियाँ तोड़ देते थे। तो गुलाब आज भी वहाँ रहता है, उसको बुलाया जाता था, 10-10 रुपया देकर उसको रिपेयर करवाया जाता था। मतलब मिस्त्री, हाँ बढ़ई है तो रिपेयर करवाया जाता था, और फिर इस तरीके से साल बीतता था, क्योंकि फंड नहीं था, पैसे नहीं थे। और दरअसल सब अहम चीज़ जो है बगैर फंड के कुछ नहीं होता है। अब ऐसे मौके पर इमारत के लिए जगह तो बहुत थी, लेकिन फंड ही नहीं तो तामीरी काम कैसे होगा, तो वो काम हो नहीं सका। अब रह गया दूसरे अदारे, जैसे अंजुमन को अगर हम मिसाल बनाकर देखें तो अंजुमन जो है वो नागपुर में एक बहुत बड़ा अदारा है, और उनके पास में बहुत ज़मीनें थी, उन्होंने उनका फ़ायदा उठाया। अतराफ में जो है उन लोगों ने क्या किया कि इमारतें बनाई, दुकानें निकाली, और उनको बहुत पैसे मिले, सही, जिसका नतीजा ये, और फिर उसको उन्होंने सही यूटिलाइज़ किया, और यूटिलाइजेशन के बाद ही दरअसल उन्होंने इमारतें बनाई, और अपनी कोशिशों से उन्होंने ITI भी खोला, और उसके बाद में फिर कहने इंजीनियरिंग कॉलेज भी बनाया। लेकिन अगर आप गौर करें कामटी के हिसाब से, तो रब्बानी स्कूल के पास में ना तो कोई इंफ्रास्ट्रक्चर था, ना ही कोई कोई आसासा था कि वो इसके लिए आगे बढ़ा सकते थे। नतीजा ये रहा कि वो वहीं के वहीं रह गया। ये ख़ास बात है जो मैंने स्कूल में रहते हुए अपने पूरे मतलब ये कि टीचर लाइफ में मैंने देखा है, और बहुत करीब रहकर मैंने देखा है। उसकी वजह ये थी कि मैं पुराने टीचर्स के साथ भी रहा, नए टीचर्स के साथ भी रहा, और मुझे कुछ ऐसा मौका भी दिया गया कि जो अकाउंट्स वगैरह रहते थे तो मैंने अकाउंट्स भी देखा है, उसका भी काम मैंने किया है स्कूल में मौका आने पर। तो वह सब देखते हुए मुझे अंदाज़ा हुआ कि वाकई में जो लोग कहते हैं कि आगे बढ़ना चाहिए, तो वो तो हम उनकी भी सोच थी, लेकिन वो पूरी नहीं कर सके, इसलिए कि सी बार के कोई फंड नहीं था उनके स्कूल के पास में, और वो बहुत ज़रूरी है। आज भी वो जो हालत ऐसी है कि अब तो गवर्नमेंट के तरफ से कोई ग्रांट मिल भी नहीं रहा है। ग्रांट से मुराद ये है कि सिर्फ सैलरी ग्रांट मिल रहा है, नॉन सैलरी कुछ है ही नहीं, कंस्ट्रक्शन के लिए, एक्सपांशन के लिए कुछ भी नहीं है, नहीं स्कूल चलाने के लिए भी इलेक्ट्रिक बिल है, तो ये है तो वो है, दुनिया भर के अखराजात जो हैं वो कैसे पूरे होते हैं वो तो इन्हें मैनेजमेंट जानता है और हेड मास्टर जानते हैं। मतलब ये है कि अगर आप स्कूल की तरक्की चाहते हैं तो इसके एक्स स्टूडेंट ही जो है कुछ मिलकर सामने अहबाब बन सकते हैं। अभी क्या होता है कि पिछले वक्त में कि वजह हेड मास्टर मैं था रही है, तो उसके पहले और तो ऐसा ज़माना नहीं था कि ये माइटी अधिकार हो, उसके तहत मुख्तलिफ बातें पूछी जाती हों। अभी क्या है कि ज़रा ज़रा सी बात का जो है वो माइटी अधिकार से पूछा जा रहा है, ये गलत इस्तेमाल कर लिया कि भाई अगर 50 रुपया यूनिट टेस्ट फीस ली जा रही है, ये 30 रुपया यूनिट टेस्ट फीस ली जा रही थी, अगर 50 कर दिया है तो उस पर भी माइटी मांग लेते हैं। अब स्कूल चलेगा कैसे? कितना बड़ा एग्ज़ाम होता है, तो एग्ज़ाम के लिए कापियाँ खरीदना है, पेपर निकालना है, प्रिंटिंग है, ये वो, तो अभी भी वही सब काम चल रहा है। ये नहीं सोचते कि भाई मुस्बित कदम उठाया जाए
इसको ये अगर थोड़ा सा पैसा मांग रहा है तो उनको दिया जाए। अब ये देखिए उन्हीं का बच्चा अगर कॉन्वेंट में पढ़ रहा है या किसी इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ रहा है तो बेतहाशा पैसा खर्च करते हैं, लेकिन जहाँ रब्बानी स्कूल का मामला आता है बच्चे की हर महीने की फीस हुआ करती है वो बराबर दे देते हैं। सही कह रहे हैं। अच्छा होता क्या है कि लोग बोलने वाले यही बोलते हैं।